व्यूअर्स, वेलकम टू सिद्धराज किचन। आज हम अपने किचन में बनाने वाले हैं बहुत ही सिंपल और मज़ेदार स्टू। उसके लिए हमें जिन चीज़ों की ज़रूरत पड़ेगी, 1 किलो गोश्त, 3 बड़ी साइज़ की प्याज, 2 बड़े साइज़ के टमाटर, 1/2 कप कटी हुई हरी मिर्चें, थोड़ी सी अदरक, थोड़ा सा हरा धनिया, 7-8 लौंगे, 2 इलायची, 2 से 3 टुकड़े दालचीनी, 1 टेबलस्पून काली मिर्चें, 1 टेबलस्पून लहसुन अदरक, 1 टेबलस्पून नमक, 1 टीस्पून हल्दी पाउडर, 1 कप ऑयल, थोड़ा सा लहसुन चॉप किया हुआ। चलिए चलते हैं अपनी रेसिपी की तरफ। सबसे पहले एक प्रेशर कुकर में हम ऑयल डालेंगे और इसे गर्म होने देंगे। अब ये ऑयल अच्छी तरह गर्म हो चुका है, इसमें लहसुन अदरक डालेंगे, साथ ही शामिल कर देंगे ये गोश्त और इसके साथ ही हम इसके अंदर शामिल कर देंगे ये हल्दी। इस गोश्त को हम लहसुन और हल्दी के साथ कुछ देर भूनेंगे, तकरीबन 10 मिनट तक। दस मिनट हो चुके हैं, ये गोश्त भुन चुका है। अब इसमें हम शामिल कर देंगे कटी हुई प्याज, कटे हुए टमाटर, इसके साथ ही शामिल करेंगे हम साबुत गरम मसाला। नमक, बारीक चॉप किया हुआ लहसुन और बारीक कटी हुई अदरक। इन तमाम चीज़ों को हम गोश्त में डालकर अच्छी तरह से मिक्स कर लेंगे। हमारा मसाला अच्छी तरह मिक्स हो चुका है। अब हम इसके अंदर शामिल करेंगे 2 ग्लास पानी, और अब हम प्रेशर कुकर को बंद करके इसे गोश्त गलने तक पकाएंगे। दस मिनट हो चुके हैं और हमारा ये गोश्त अच्छी तरह से गल चुका है। हम इसे 2 मिनट ऐसे ही पकाएंगे और अब हम इसके अंदर शामिल कर देंगे ये कटी हुई मिर्चें, मिक्स कर लेंगे इसे। और इसे ऐसे ही लो फ्लेम पर पकाएंगे कुछ देर, तकरीबन 5 मिनट। पाँच मिनट हो चुके हैं और ये गोश्त अच्छी तरह से भुन चुका है। इसको हम कुछ देर ऐसे ही छोड़ देंगे ताकि इसका ऑयल अच्छी तरह से ऊपर आ जाए, फिर इसे सर्व करेंगे। तैयार है हमारा मज़ेदार सा और आसान सा स्ट्यू। उम्मीद है आपको हमारी ये वीडियो ज़रूर पसंद आएगी। अगर आपको हमारी ये वीडियो पसंद आए तो इसे लाइक करें, शेयर करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें।